दोस्तों, ये सिंपल सी स्टोरी काफी पुरानी है, काफी पॉपुलर है, बड़ी दिलचस्प है, काफी ट्विस्ट है इस कहानी में। तो कहा जाता है कि काफी पुराने समय की जो बात है कि एक बार एक बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों एक ही साल साथ एक ही रूट पर लगभग 20 साल हो गए थे इनको काम करते हुए। ये इतने अपने कंफर्ट जोन में मस्त थे, इनकी लाइफ इतनी प्रेडिक्टेबल थी, बड़े थोड़े से पैसेंजर्स हुआ करते थे उस जमाने में, कि चेहरे से हर पैसेंजर को पहचानते थे, किसका क्या नाम है, किसको कहाँ से चढ़ना है, किसको कहाँ उतरना है। इतनी बखूबी से इनको अपने पैसेंजर्स का भी पता था। बड़ी मस्त, बड़ी आराम सी, बड़ी प्रेडिक्टेबल सी जिंदगी थी, बड़ी कंफर्ट जोन में। तो एक दिन ऐसे हुआ कि उस बस में एक 6.5 फुट लंबा तगड़ा पठान चढ़ाया, और जैसे ये शख्स ने बस में एंटर किया, सभी की नजरें इसकी तरफ थी। जैसे मान लीजिए कि बस पर चढ़ के उसने कोई गलती या गुनाह कर दिया है, सभी ऐसे उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। नए समथिंग न्यू हैज हैपेंड, सम चेंज हैज हैपेंड। और पैसेंजर्स क्योंकि उस टाइम में काफ़ी लिमिटेड होते थे, जैसे मैंने आपसे शेयर किया, और बस ड्राइवर और कंडक्टर सभी को लगभग उनको देखकर सबको ये हैरानी हो रही थी, और सभी इसकी तरफ देख रहे थे, और कंडक्टर भी इसको नोटिस जैसे करके। उसके बाद अब ये ध्यान में रखिए, ये जो पठान जो बस पे चढ़ा है 6.5 फुट लंबा है, हमारे कंडक्टर साहब हाइट में थोड़े छोटे हैं, लगभग 4.5 फीट के हैं, थोड़े स्लिम हैं, पतली सी बिल्ड के हैं। थोड़ा हिचकिचाते हुए ये इन्होंने अप्रोच किया इसको, और इसके जाकर जैसे बड़े शक के साथ, बड़े डाउट के साथ, बड़ी धीमी सी दबी हुई आवाज़ में इन्होंने पूछा, टिकट लेंगे आप? इसे पठान में बड़ी अथॉरिटेटिव आवाज़ ने जवाब दिया, नहीं, पठान टिकट नहीं लेता। कंडक्टर ये सुन के उसने आगे कोई चुपचाप से वापस चला गया, कोई और सवाल नहीं पूछा और चला गया। अगले 3-4 दिन दोस्तों यही सिलसिला चलता गया। ये पठान बस पर चढ़ता जो नया पैसेंजर था, कंडक्टर हिचकिचाते हुए इसके पास टिकट ऐसे पूछता जैसे कुछ ऑफर कर रहा है, टिकट लेंगे आप? और पठान हर बार मना कर देता, पठान टिकट नहीं लेता। तो कंडक्टर को थोड़ा ये महसूस होना शुरू हो गया था कि अब उसकी अथॉरिटी ख़त्म हो रही है, जैसे कि ये पठान टिकट नहीं लेता है, वैसे शायद बाकी पैसेंजर्स भी इसको सीरियसली ना लें। उसके मन में थोड़े ग्रजेस पैदा होने लगे इस पूरी सिचुएशन को लेकर, उसे ये लग रहा था उसकी इंसल्ट होना शुरू हो गई है बाकी पैसेंजर्स के आगे। तो थोड़ा दुखी था, खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा था। एक दिन बस ड्राइवर से बोला, भाई मैं 3 महीने की छुट्टी पे जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी मुश्किल है, वो हल करनी है मुझे, तो अगले 3 महीने मैं छुट्टी पे रहूँगा। कंडक्टर साहब अगले 3 महीने छुट्टी पे रहते हैं, प्रोटीन शेक अपने फ्रेंड से ऑर्डर करते हैं अमेरिका से, जिम ज्वाइन करते हैं, सेल्फ डिफेंस क्लासेस ज्वाइन करते हैं, कराटे, पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की क्लासेस, ये सब करके पूरे 3 महीने बाद, पूरी मेहनत मुशद्दत के बाद, अपनी मार्शल आर्ट्स सीखकर अपनी ड्यूटी पर वापस पहुँचते हैं। और आज मन में ठाना हुआ है कि इस पठान से टिकट तो इसको देनी देनी है, राइट, इससे टिकट आज इसको मैं देखता हूँ आज ये टिकट कैसे नहीं लेता। दोस्तों उसकी बॉडी लैंग्वेज जब बदल चुकी थी, जब मन में किसी सिचुएशन की इंटरप्रिटेशन बदल जाती है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी उसके साथ चेंज हो जाती है। जब मन में भय हो, शंकाएं हो, मन में कोई एनिमी बैठा हुआ है, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज में ये सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है। कंडक्टर ने प्यूरी श्योरिटी के साथ इस बार, इसकी क्योंकि मन में कॉन्फिडेंस था, श्योरिटी था, जो इसकी बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट हो रही थी, इसने पठान की अब आंखों में आंखें डाल के पूछा बड़ी दमदार आवाज में, टिकट? तो पठान वापस वैसे वही जवाब देता था, वही फिर से उसने दिया, बोला ना पठान टिकट नहीं लेता। तो अब कंडक्टर ने आगे फिर से कॉन्फिडेंस के साथ अगला सवाल पूछा, और पठान क्यों टिकट नहीं लेता है? टिकट तो सबको लेना पड़ता है। जैसे पठान जो इसको शांत करते हुए कंडक्टर को बोला, क्योंकि कंडक्टर साहब काफ़ी गर्म और काफ़ी अग्रेशन में आ गए थे, बोला लाले की जान तू गर्म क्यों होता है, मेरे पास गवर्नमेंट का दिया हुआ ऑल इंडिया बस पास है, अरे इसीलिए तो पठान टिकट नहीं लेता है। तो आप सोचेंगे कि ये इतना पुअर जोक सिमरजीत कहाँ से ढूंढ के लाए, पर जोक तो ये था ही नहीं, तो कहानी है, इट्स नॉट मेंट टू बी ए जोक। पर इस सिंपल सी कहानी से मुझे हर बार यही सीख, जब भी मैं किसी प्रोग्राम में सुनाता हूँ, क्योंकि इसमें ट्विस्ट बड़ा अनोखा है, कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल भी है, बट इसमें दोस्तों जो मेन लेसन मुझे सीखने के लिए मिलता है इस कहानी के जरिए, वो ये है कि कई बार
कई प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती, हम उनको मन में उनको बड़ा बना लेते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स को ओवर एस्टिमेट करते हैं और खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आई थिंक ये नंबर वन जो एनिमी है अंडर परफॉर्मेंस का, ये है हर आई गई चुनौती को मैं ओवर एस्टिमेट करता हूँ और मैं खुद को अंडर एस्टिमेट करता हूँ। अगर इंसान इस एक सिंगल चीज़ के ऊपर वर्क कर ले तो यू कैन इंक्रीज योर एफिशिएंसी, यू कैन डू अ लॉट मोर विद योर लाइफ। इस केस में जैसे कंडक्टर ने ये जो मन में परसीव की हुई प्रॉब्लम थी पठान को लेकर, उसको इतना बड़ा बना लिया कि उसको पूरे उसके जहन को इस चीज़ ने पकड़ लिया। मुझे फेमस अमेरिकन ऑथर मार्क ट्वेन की कहावत याद आती है जिन्होंने बखूबी लिखा, 98% ऑफ माई लाइफ वॉज स्पेंट फाइटिंग विद प्रॉब्लम्स विच नेवर एग्जिस्टेड। लेट मी रिपीट दिस, यहाँ जो राइटर ये कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी का मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम्स जिनके साथ मैं जूझता गया, लड़ता गया, वो ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो एक्चुअल में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जैसे हमारे बस जो कंडक्टर की जो प्रॉब्लम थी कि पठान टिकट लेना नहीं चाहता, वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पठान के पास बस पास था, ये अलग बात है। समटाइम्स योर इंटरप्रिटेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर योर बिगेस्ट एनिमीज, आर योर बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, राइट। डॉक्टर वेन डायर, फेमस अमेरिकन ऑथर, उन्होंने बखूबी लिखा है, When you change the way you look at things, the things you are looking at begin to change. जब आप दुनिया को, अपनी मुश्किलों को, आने वाले कल को, अपनी opportunities को, जब आप उनको देखने का नजरिया बदलते हो, तो वो चीजें भी खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि कई बार problem चीज में नहीं होती है, हमारे देखने के नजरिए में होती है। और किसी शायर ने बखूबी लिखा है कि नजर का ऑपरेशन तो हो सकता है, नजरिए का ऑपरेशन होना बहुत मुश्किल होता है, पर नजरिया एक ऐसी चीज है जो हम कॉन्शियस थिंकिंग के साथ डेवलप कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। चाइनीज फिलोसोफर लाओत्सू बखूबी कहते हैं, व्हेन यू करेक्ट द माइंड एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू प्लेस। व्हेन यू करेक्ट योर माइंड एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू प्लेस। अभी तक रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि कितनी डिजीजेस का कॉज हमारी थिंकिंग से शुरू होता है, गलत सोच से शुरू होता है। कोई प्रॉब्लम्स हम इनहेरिट नहीं करते हैं जेनेटिकली, वो प्रॉब्लम्स जीन्स में चाहे हों, अपने पेरेंट्स से आई हों, पर वो जीन कब एक्टिवेट होता है, जब हमारी थिंकिंग उस डायरेक्शन में जाती है कि ये प्रॉब्लम मुझे होने वाली है। कुछ लोग हमें सबको बताते फिरते हैं, मेरी फैमिली में सबको डायबिटीज है, सबको डायबिटीज है, इसलिए मुझे तो डायबिटीज होना ही है। इनफैक्ट मैं इंतजार कर रहा हूं मुझे डायबिटीज कब होना है, और इनफैक्ट अगर मुझे डायबिटीज ना हुआ तो मैं काफी नाराज होऊंगा, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे डायबिटीज होगा। कई बार वो जीन्स भी एक्टिवेटेड तब होते हैं। ये है सोच शक्ति की पावर। थ्रू करेक्ट थिंकिंग वी कैन चेंज अवर लाइफ। मैंने कहीं और पढ़ा था कि जिस व्यक्ति के सोच और एटीट्यूड सही हो, उसे आगे बढ़ने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और जिस व्यक्ति का सोच और एटीट्यूड गलत हो, उसे दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ा नहीं सकती। और ये एक ऐसी चीज है जो हमारे कंट्रोल में है। हम किस घर में पैदा हुए, किस वक्त पैदा हुए, तब सितारे कैसे थे, ये चीजें हमारी कंट्रोल में नहीं है। डे टू डे बेसिस पर हमारी सोच कैसी है, ये हमारी कंट्रोल में है। आशा है आप इस चीज के ऊपर वर्क करेंगे और ये कहानी और ये छोटी सी फनी कहानी आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय। Thank you.